बढ़िया पोजीशन है टाइम पे देख लीजिए दोस्तों, 15 ओवर के बाद में 94/7 रन। हम लोग आ गए हैं मैच देखने के लिए। अभी आरसीबी और दिल्ली का मैच होने वाला है, शायद जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे रिजल्ट आप ही क्या होगा। आज फाइनल है दिल्ली का और आरसीबी का, मतलब बैंगलोर का और दिल्ली का, ठीक है। तो दिल्ली में मैच हो रहा था, आरसीबी फाइनल में है और हम मैच ना देखें ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। हम लोग मैच देखने के लिए आ गए हैं, जस्ट मैच स्टार्ट होने वाला है। अभी हम लोग अंदर बैठे हुए हैं, मस्त बाहर मैच होने वाला है, ठीक है। और वेट कर रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, अभी 6 बजे हैं सिर्फ, ठीक है। तो अभी 1.5 घंटा और बाकी है मैच स्टार्ट होने में। मैच स्टार्ट हो जाएगा फिर आपको आगे की चीज़ दिखाता हूँ। शायद हो सकता है यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि विराट कोहली आने वाला है, सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस, लेट्स सी क्या होता है। ब्रो हू इज हियर, यहाँ पे आप देखो आकाश आपके सामने, अभी सामने कैमरे वाला है, कमेंट्री चीज़ यहाँ पे चल रहा है, होता है ना मैच लाइव कुछ चलता है क्रिकेट लाइव कैसा कुछ, तो उसका सचिन चल रहा है मेरे ख्याल से। सामने आकाश खड़े हुए हैं जस्ट इस कैमरा मैन के बिल्कुल सामने है, ठीक है। यहाँ पे कैमरा मैन है इसके बिल्कुल सामने है। खाना वाना खा लेते हैं कुछ, ठीक है, भूख लग रही है। So what I'll do, I'll just take a plate first, then let's see क्या क्या है यहाँ पे। थोड़ा सा बेसिकली चिकन लग रहा है मुझे, बेबी क्यू चिकन टिक्का, मसी कबाब, ये अपना ढोकला, तंदूरी पनीर टिक्का। बट उसमें थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं, तो मैंने ये सारी चीज़ें ले ली हैं, चीज़ें खाएंगे यार। आज आरसीबी जीत जाए नहीं तो बहुत दिमाग ख़राब हो जाएगा यार, सीरियसली। मतलब फाइनल में भी आ गए, मूवमेंट्स वाली जीत जाए यार, कोई तो जीत। लुक एट दिस, सौरभ गांगुली बिसाइड मी, भाई अभी राष्ट्रगान हुआ है, राष्ट्रगान के बाद में जस्ट अब यहाँ पर मैच स्टार्ट होने वाला है। लगभग क्या टाइम हो गया है, हो गए हैं अराउंड 7:30 बजे में, मुझे तो 4 मिनट और हैं और फिर अपना WPL का फाइनल स्टार्ट। पब्लिक तो पूरी भाई दबा कर आई है, दबा के बन गई, पूरा पूरा ग्राउंड चकाचक भरा होगा, पूरा ग्राउंड यहाँ पे। और मैक्सिमम मुझे दिख रहे हैं आरसीबी के सपोर्टर्स आ रहे हैं भाई, आरसीबी के सपोर्टर्स को ही आएंगे जाहिर सी बात है फाइनल में आते हैं भाई। बढ़िया पोजीशन है उस टाइम पे, बस लुक एट द स्कोर, 15 ओवर के बाद में 94/7 बहुत बढ़िया खेल रहे हैं लोग, प्लेइंग रियली गुड। 15 ओवर 15 ओवर 90 रन 7 विकेट, दैट्स अमेजिंग यार, बहुत बढ़िया। फाइनली भाई अभी फर्स्ट इनिंग ओवर हुई है और 114 रन का टारगेट दिया है, दैट्स एन अमेजिंग इनिंग मैन। क्या बॉलिंग करी है आरसीबी ने, क्या बॉलिंग करी है। आई थिंक वर्थ रहेगा हम लोगों का आना, क्योंकि आरसीबी तो डेफिनेटली जीतने वाले, डेफिनेटली। बस आई होप कि फटाफट जीत जाए, क्योंकि नेक्स्ट इनिंग जब होगी तो बैटिंग अच्छे से करेंगे, क्योंकि टारगेट कुछ ज़्यादा खास है नहीं, आराम आराम से खेलेंगे, ठीक है, मस्त जीत जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। सो आई होप कि ऐसा ही हो, जैसा मैं सोच रहा हूँ, कोई दूसरा ट्विस्ट ना आए, क्योंकि भाई अपन का तो जीते जीते मैच रह जाते हैं, ऐसा हो जाता है। बट आई होप अब की बार ऐसा नहीं होगा, विल गोना विन दिस डेफिनेटली। कुछ खा लेते हैं यहाँ पे, फूल आ चुकी है बस, तो फील्डिंग के लिए टीम आती है, गलती हो गई थी। जो 7 ओवर के बाद में स्कोर है वो 43 है ना कि 37। फाइनली 15 बॉल में 3 रन चाहिए आरसीबी को जितनी चाहिए।
10 ओवर चल रही है। अरे भाई दैट्स ग्रेट। बनता है भाई बनता है बनता है। फाइनली आरसीबी जीत गई है भाई। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन टू एवरीबडी जो आरसीबी को सपोर्ट कर रहे थे 15 साल से वेट कर रहे थे। चलो कोई नहीं लड़कियाँ जीत गई है, लड़के भी जीत जाएंगे, अभी कुछ टाइम रहता है आईपीएल में। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।